स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है? ए मध्य जून, बी जून का अंत, सी मध्य जुलाई, डी जुलाई का अंत। आंसर सी मध्य जुलाई। एक्सप्लेनेशन, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आमतौर पर मानसून की बारिश केरल में 1 जून के आसपास शुरू होती है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में फैल जाती है, जिससे चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी प्रमुख फसलों की बुआई में मदद मिलती है। अगला प्रश्न। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए जापान, बी फ्रांस, सी भारत, डी USA। आंसर डी USA। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना IAF की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का के एल्सिन एयरफोर्स बेस पर पहुंची। इसका आयोजन दो फेज में नेवादा में नेलिस एयरफोर्स बेस और अलास्का में एल्सिन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। साल 1975 से रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। आंसर ए जल शक्ति मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल किया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने की होगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा होने पर उम्मीदवारों को ₹15,000 प्रति माह का मानदेय और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला प्रश्न। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई, डी 1 जून। आंसर बी 30 मई। एक्सप्लेनेशन, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में हुआ था। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता में योगदान देने वाले पत्रकारों का सम्मान करना है। अगला प्रश्न। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई, डी 1 जून। आंसर सी 31 मई। एक्सप्लेनेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। किस संस्था को WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए PGIMAR, बी IIT बेंगलुरु, सी निमहंस, डी एम्स। आंसर सी निमहंस। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न। किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन EV सूचकांक लॉन्च किया? ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सी IRDAI, डी SEBI। आंसर ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्सप्लेनेशन, भारतीय शेयर बाजार NSE की एक इकाई NSE इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स लॉन्च किया है। इस इंडेक्स का नाम निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है। यह इंडेक्स इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों और नई तकनीक वाली गाड़ियों और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। अगला प्रश्न। किस देश में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया गया है? ए चीन, बी जापान, सी USA, डी जर्मनी। आंसर बी जापान। एक्सप्लेनेशन, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापानी शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने कहा कि उनके छोटे घनाकार यान जिसका नाम लिग्नोसेट है, इसे मैग्नोलिया लकड़ी से तैयार किया गया है तथा किसी भी पेंच या गोंद का उपयोग करने की बजाय पारंपरिक जापानी लकड़ी की तकनीक का उपयोग किया गया है। इसे सितंबर में SpaceX रॉकेट पर उड़ा दिया जाएगा। क्योटो विश्वविद्यालय और लॉगन कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रायोगिक उपग्रह के प्रत्येक पक्ष की माप केवल 10 सेंटीमीटर 4 इंच है। अगला प्रश्न। भारत में किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया? ए सिक्किम, बी कौमिक, सी
किब्बर डी टशीगंग आंसर डी टशीगंग एक्सप्लेनेशन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्व का सबसे ऊंचा 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टशीगंग में इस बार विधानसभा उपचुनाव व मंडी लोकसभा सीट के लिए एक साथ मतदान हुआ। चीन सीमा से 10 किलोमीटर दूर ये मतदान केंद्र है। इससे पहले स्पीति का हिक्किम सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। टशीगंग मतदान केंद्र पहली बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्थापित किया गया था। इस केंद्र पर 100% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। टशीगंग मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। ऐसे में सभी मतदाताओं का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। यहां मतदाताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की नई अधिकतम सीमा क्या है? ए 10 लाख रुपए, बी 15 लाख रुपए, सी 20 लाख रुपए, डी 25 लाख रुपए, आंसर डी 25 लाख रुपए। एक्सप्लेनेशन, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग डॉपो ने महंगाई भत्ते की दर 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने के निर्देश जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली? ए NDA, बी इंडिया, सी BSP, डी निर्दलीय। आंसर ए NDA। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती 4 जून को संपन्न हुआ। NDA गठबंधन को 295 सीटें मिली तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 231 सीटें जीतने में सफलता मिली है तथा अन्य के खातों में 17 सीटें मिली। देश भर में BJP 242 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी तो वहीं कांग्रेस 98 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी दल बनकर उभरी। अगला प्रश्न, हाल के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए आचार संहिता के उल्लंघन की सबसे अधिक संख्या, बी बूथ कैप्चरिंग घटनाओं की कुल संख्या सबसे अधिक, सी मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक, डी पुनर्मतदान की सबसे अधिक घटनाएं। आंसर सी मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। एक्सप्लेनेशन, भारत ने लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 3 जून 2024 को मीडिया को जानकारी दी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया? ए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM, बी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, डी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। आंसर ए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। एक्सप्लेनेशन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM रविवार को हिमालयी राज्य में विधानसभा चुनावों में 32 में से 31 सीटें जीतकर सत्ता में लौट आया। विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट केवल एक सीट ही जीत सका। सिक्किम विधानसभा के चुनाव 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए थे। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? ए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM, बी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, डी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। आंसर डी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। एक्सप्लेनेशन, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी BJP सत्ता में लौट आई है। भाजपा ने 60 में से 46 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। विधानसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 10 सीट पहले ही निर्विरोध जीत ली थी। अधिकारियों के अनुसार जिन 50 सीट पर मतदान हुआ उनमें से भाजपा ने 36 सीट पर जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री पेमा खांडू निर्विरोध जीतने वाले 10 उम्मीदवारों में से एक हैं। अगला प्रश्न, अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया? ए पुरुषों की 57 किग्रा, बी पुरुषों की 51 किग्रा, सी महिलाओं की 51 किग्रा, डी महिलाओं की 57 किग्रा। आंसर बी पुरुषों की 51 किग्रा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने रविवार को पुरुषों के 51 किलोग्राम वर्ग में प्रतिष्ठित पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। उन्होंने बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी क्वालिफाई में चीन के लियू चुआंग पर 5-0 के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज की। 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटर द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया? ए इंदौर, बी दिल्ली सेंट्रल, सी मुंबई दक्षिण, डी बेंगलुरु उत्तर। आंसर ए इंदौर। एक्सप्लेनेशन, 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना में इंदौर में नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट मिले। इसने नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया।
भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव में नोटा के विकल्प की सुविधा मतदाताओं को चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराई थी। नोटा का विकल्प लागू करने वाला भारत विश्व का 14वां देश था। अगला प्रश्न, ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? ए बीजू जनता दल बीजेडी, बी भारतीय जनता पार्टी भाजपा, सी सीपीआईएम, डी कांग्रेस। आंसर बी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। एक्सप्लेनेशन, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य विधानसभाओं के लिए वोटों की गिनती 4 जून 2024 को की गई थी। दोनों राज्यों में मौजूदा सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी। ओडिशा में बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को 51 सीटें मिली। राज्य में भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत से अकेले सरकार बनाएगी। अगला प्रश्न, चीन के चांद 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पानी के लिए चंद्रमा की सतह का पता लगाना, बी चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन संचालित करना, सी चंद्र आधार स्थापित करना, डी चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। आंसर डी। एक्सप्लेनेशन, चीन ने इस क्षेत्र से पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 जून 2024 को चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर एक मानवरहित अंतरिक्ष यान चांद E6 उतारा। चांद E6 में 4 उपकरण ऑर्बिटर, लैंडर, असेंडर और री एंट्री मॉड्यूल है। इस मिशन के जरिए चंद्रमा पर धूल और चट्टानों के नमूने एकत्र करने के बाद असेंडर उन्हें ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा, जो नमूनों को री एंट्री मॉड्यूल को स्थानांतरित करेगा। अगला प्रश्न, ICC ओडी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? ए रोहित शर्मा, बी बाबर आजम, सी विराट कोहली, डी ट्रेविस हेड। आंसर सी विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन, भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला और उन्हें न्यूयॉर्क में ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 के लिए भी चुना गया, क्योंकि उनकी टीम 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ T20 विश्व कप का पहला मैच खेलने की तैयारी कर रही है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून, डी 6 जून। आंसर सी 5 जून। एक्सप्लेनेशन, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बनाए रखने के लिए हर साल 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एक नोडल एजेंसी है।